मैं हूं सोनाली सिंह। सीधे आपको लिए चलते हैं रीवा, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। 750 मेगावाट वो किसको मिला है, किसको मिला है? रीवा को। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। कभी सोचा था कि रीवा में सोलर प्लांट आएगा? कभी सोचा था? ये मोदी जी की सोच है जिसने आज रीवा को सोलर प्लांट में दुनिया के नक्शे में ला करके खड़ा कर दिया। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। अगर हम बात करें तो आपके यहां रीवा में सुंदरजा आम जो है, ये सुंदरजा आम, इसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का मतलब है जब भी कोई दुनिया में आम के नाम पर कोई ढूंढेगा तो उसको सुंदरजा के नाम से आम रीवा में दिखेगा और रीवा के दृष्टि से उसके बाजार बनेगा। ये विकास के नए आयाम मुझे। और मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी है कि जो कोल राजा के गढ़ी थी, कोलगढ़ी, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए दे करके उसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ है। ये भी हमको याद रखना। उसी तरीके से क्योंसर में उद्वहन सिंचाई योजना, और इसमें माइक्रो सिंचाई योजना के तहत 85 करोड़ रुपए खर्च करके यहां आपके लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। और उसी तरीके से ये चौरा घाट में जो सड़क बन रही है, जिसकी स्वीकृति हो गई है, और उस स्वीकृति के कारण आपका जो सड़क का डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा और विकास की एक नई कहानी शुरू होगी। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, ये सारी बातें मैंने आपके सामने विकास की कही, लेकिन जब मैं विकास की बात करता हूं तो आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि अगर आपको ये विकास चाहिए तो हमें आपका सिद्धार्थ चाहिए। बोलिए, सिद्धार्थ को विधानसभा में भेजेंगे? नौजवान है, काम करने के लिए आतुर है। आपकी दिशा, दशा और आपकी तस्वीर और तकदीर को बदलने का कृत संकल्प लेकर के चलने वाला नौजवान, और ईमानदारी से ये नौजवान आपकी सेवा करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और मित्रों, मैं कुछ राजनीतिक बात भी आपसे कर लूं। आप बताइए, कमलनाथ की सरकार घोटालों की सरकार रही कि नहीं रही? आप बताइए, इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस किया कि नहीं किया? आप बताइए, कमलनाथ के रिश्तेदारों के घरों से ढेर सारा धन निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, इनके खिलाफ केस चले कि नहीं चले? आप बताइए, इनका ओएसडी के घर से धन निकला कि नहीं निकला? काजल की कोठरी में रहोगे तो कालिक तो लागे ही लागे, कालिक तो लगेगी ही लगेगी। ये घोटालों की सरकार, ऐसी सरकार आने देना है क्या? आने देना है क्या ऐसी सरकार? ये घोटालों की सरकार। और मित्रों, मैं एक बात और बता दूं, ये चाहे गहलोत हो, चाहे बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर, और अंग्रेजी वाला कलेक्टर नहीं, जिलाधीश नहीं, ये इकट्ठा करने वाले लोग हैं, समझ गए? कलेक्ट करते हैं इकट्ठा, और इकट्ठा करके दिल्ली दरबार में। तो रीवा में जेपी नड्डा की यह जनसभा, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील उनकी ओर से की जा रही है, साथ ही अपने संबोधन के जरिए कमलनाथ पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। तो लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे वहां अर्पित कर देते हैं कमल को। तो रीवा में जेपी नड्डा की ये बड़ी जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की जा रही है।